1837-38 में अंग्रेज ने कराची को एक तरह से कहिए फतह किया। कराची जो था वो डिवाइडेड था पाड़ों में। हाफ द कराची वाज ओन्ड बाय पारसी। उन्होंने दूसरे पारसी को क्यों नहीं दिया? ये माइनॉरिटीज नहीं थी, दे वर इक्वल ओनर्स। मसीह आदमी अपना नाम नहीं बता सकता ओपनली। मैं नहीं चाहता हूं कि तबाह हो या हमारा तारीख जो है मिट जाए। कराची की तारीख अगर आप देखिए, 1800 से पहले कराची मछियारों का एक इलाका था। ये मछियारे ही दरअसल हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे। इसकी खास बात ये थी कि ये एक पोर्ट सिटी थी, ये एक सिटी ऑफ अराइवल थी। आरामबाग, बर्न्स रोड और फिर सदर, यहाँ पर ही वो हिंदू ट्रेडिंग पॉपुलेशन मौजूद थी। यहाँ पे लोगों ने आना था इन ऑर्डर टू स्टार्ट न्यू वेंचर्स, टू स्टार्ट न्यू बिजनेसेस। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर प्री पार्टीशन यहाँ आ गए थे लाइक मैनी अदर पारसीज, और उन्होंने जब पार्टीशन हुआ वो यहाँ ही रहे, वापस नहीं गए। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी पारसी जो पार्टीशन के टाइम पे वापस इंडिया चले गए। 1837-38 में यहाँ पर अंग्रेज ने कराची को एक तरह से कहिए फतह किया। सबसे पहले वो किमारी की तरफ सेटल हुआ था, और अक्सर जो है वो कुक्स और बटलर्स थे। उन्होंने अपने सकाफत, अपनी तहजीब वगैरह सब यहाँ क्रिएट करना शुरू किया। इसमें ये बहुत ज़रूरी है मेंशन करना कि कराची जो था वो डिवाइडेड था पाड़ों में, नेबरहुड्स में। इन नेबरहुड्स में अलग अलग तरह के डाइवर्स फैमिलीज रहा करती थी। अब वो चाहे क्रिश्चियंस हों, पारसीज हों या हिंदूज हों, कह लीजिए कम्यूनल हारमोनी बहुत ज़्यादा थी कराची में। यानी पाकिस्तान बनने से पहले कभी कोई मैंने तारीख पढ़ी हो कि जहाँ ईसाई या मुसलमान या पारसी या हिंदू जो हैं उनका कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो। ये अब इन लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए? हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा, मैं तो कहूँगी सिर्फ क्रिश्चियंस ने नहीं, हिंदूज ने भी बहुत एजुकेशन पे किया काम किया और ट्रेड पे काम किया। बहुत ज़्यादा बिजनेस सेक्टर्स को समझाने की कोशिश करी कि कैसे यहाँ पे ट्रेड यूनियंस बन सकते हैं। फिर प्लस पार्क जो थे वो सबसे पहले हिंदू लोगों ने और पारसियों ने गिफ्ट किए शहर में। हॉस्पिटल्स गिफ्ट हुए हैं, मेटर्निटी वार्ड्स हुए हैं, अपकमिंग प्लेसेस लाइक आई वुड से एजुकेशन सेक्टर में स्कूल्स, गोवन टीचर्स ने आके यहाँ पर प्रोविजन दी। हमारा इंग्लिश माना जाता था। मिसाल के तौर पर अगर आज आप देखें पुराने जो लोग थे हमारे स्कूल से, मिसाल के तौर पर हमारा जो मौजूदा CM सैयद मुराद अली शाह, उसके इंग्लिश सुने परफेक्ट, हमारे स्कूल का प्रोडक्ट है। जनरल लेट जनरल परवेज मुशरफ, हमारा स्कूल का प्रोडक्ट है, उसका इंग्लिश का भी सुने परफेक्ट। तो उस वक्त हमने काफ़ी तवज्जो दी इंग्लिश पे, और उस वक्त हमारे ज़्यादातर टीचर्स जो थे वो वेल स्पोकन थे वगैरह। हेल्थ केयर में हमारे पास होली फैमिली हॉस्पिटल है जो एक ज़माने में कराची का टॉप हॉस्पिटल था। हिंदू कम्युनिटी उस वक्त चूँकि एजुकेशन में भी आगे थी, मॉडर्न एजुकेशन थी, उसको उन्होंने एक्वायर किया। जो ट्रांसपोर्ट थी इसमें ज़्यादातर रोल जो था हिंदुओं का। 1843 के बाद से लेकर 1900 तक यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। जिसे सबसे पहले हिंदू फैमिली थी तो यहाँ पर कराची में उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर इलेक्ट्रिसिटी का एक सिस्टम शुरू किया। जमशेद नसर वांजी मेहता वाज़ द फर्स्ट मेयर, पारसी मेयर ऑफ कराची। 4 बजे सुबह को ही वाज ऑन द रोड्स इंश्योरिंग के रास्ते सब साफ थे। तो कराची वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। कायदे आज़म मंगल जिन्हा साहब ने बोला था, पारसी कम्युनिटी को बुलाया, उसने बोला खाली टेम्परेरी
आप मामा स्कूल और बीबीएस स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स पारसी हाई स्कूल टेम्पररीली आप प्लीज नॉन पारसीज के लिए भी खोलें एट टाइम ऑफ पार्टीशन बिकॉज ही नीडेड द सपोर्ट. उन्होंने क्या किया, पारसी कम्युनिटी हैड अ मीटिंग टुगेदर एंड दे ओपनड इट टू द नॉन पारसीज परमानेंटली. उन्होंने खुद बोला नहीं हम लोग परमानेंटली खोलेंगे. एनईडी यूनिवर्सिटी आज प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट. कराची की पहली पानी की स्कीम, सुविच की स्कीम, ये सारी स्कीम्स बनी. अच्छा इसके अंदर यहाँ के मुकामी लोगों का बेशमूल अंग्रेज का उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ था. एक ज़माने में वो ये वो चीज़ नहीं था जहाँ हम मुसलमान क्रिश्चियन पारसी हिंदू सब साथ रहते थे और ये भी नहीं पता चलता कि कौन क्रिश्चियन कौन हिंदू थे. सब पता है हम सब पाकिस्तानी हैं. क्रिसमस आता है हम लोग भी जाते मिडनाइट मैस में. हम लोग चर्च में, मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, हम लोग मिडनाइट मैस में जाते थे. हर कल्चर में जो पारसी गए हैं वी असिमिलेट इनटू दैट कल्चर एंड वी वर्क विद द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज, नॉट ओनली द मेजॉरिटी कम्युनिटी विद द माइनॉरिटी कम्युनिटी. हाफ द कराची वाज ओन्ड बाय पारसी. उन्होंने दूसरे पारसी को क्यों नहीं दिया, दे सेड नो वी विल गिव इट बैक टू द सिटी. उन्होंने सिटी को वापस किया बिकॉज द सिटी इज वॉट मेड अस. एक अरसे तक मेजॉरिटी कराची में जो थी हिंदू कम्युनिटी उसका मेजॉरिटी थी. अच्छा 1947 तक होता ये था यहाँ पर मुसलमान ईसाई और पारसी एक एक साल के लिए मेयर रोटेट करता था. 1947 में जिस मेयर ने कायद आज़म का इस्तकबाल किया वो हकीम एहसन थे. उस वक्त मुसलमानों के मुसलमान मेयर की बारी थी. कराची में जो चीज़ बाइंड करती थी इन माइनॉरिटीज़ को एक साथ वो थे लैंडमार्क्स जैसे कि टेंपल्स, चर्चेस और माइनॉरिटी के रिलीजियस स्पेसेस. तो कराची वाज ऑलवेज अ सिटी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. इट वाज ऑलवेज अ सिटी वेयर एवरीवन वाज वेलकम टू वर्क एंड लिव टुगेदर. ये शहर सबका था. ये माइनॉरिटीज़ का जो आज आप माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हो ये माइनॉरिटीज़ नहीं थी. ये देवर इक्वल ओनर्स इफ नॉट मेजर ओनर्स. 1947 आप आजाद हैं. '47 के बाद वो दौर खत्म हुआ हिंदुओं की जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का, और अब एक नया दौर शुरू हुआ. जो ही कराची डेवलप होना शुरू किया तो लैंड ग्रैबर्स ने हर चीज़ खींचने की कोशिश की. जो कुछ उनको मिल सके वो ले सके वो लेता रहा. जितने भी हमारा लैंड थे वो माशाल्लाह ब्रिटिश के दौर से दिया गया है. तो अभी कंटोनमेंट वालों ने इन पे लीज लगाना शुरू किया, न्यू लीज वगैरह, जहाँ करोड़ों रुपये हमें उनको देना पड़ता है उनको बचाने के लिए. तो ये सब जो है हमें भगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्नॉलेज नहीं करते कि हमारा हमारी खिदमत क्या है. लियाकत अली खान के बाद मुसलमान की शनाख्त की जो है उसको इम्पोज किया गया कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए नहीं, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए है और माइनॉरिटीज़ जो हैं वो जो है सेकंड क्लास सिटीजन होते चले गए. जनरल ज़ियाउल्लाह के दौर के बाद जो है वो ये बात शुरू हो गई और ये सब कुछ तबाह हो गया. अगर आपको पता चले कि क्रिश्चियन है चटे की साइड पे हो जाओ, ठीक है वो, और वो खुलेआम कभी कहते हैं बेहतर है मुसलमान बन जाओ, आपको जॉब मिलेगा, आपको ये काम करेगा, आपका ये काम होगा. बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं इस बात का. अब इनके साथ ये हो रहा है कि बिकॉज इतना फियर है इनकी कम्युनिटी में, फियर ऑफ लाइक कन्वर्जन, फियर ऑफ ब्लास्फेमी, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ आइडेंटिटी, मसीह आदमी अपना नाम नहीं बता सकता ओपनली, हमेशा शॉर्ट में नाम रखता है. कितनी दफ़ा हमारे पास वर्कर्स होते हैं जो कि अपना पूरा नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते. तो ये फियर कहाँ से आता है? ये फियर अर्बन प्लानिंग की वजह से भी होता है, पॉलिटिकली भी होता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट से भी आता है. और फिर 1960-61 में अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन राइट्स हुए कराची में, और कराची में जैसे हकानी चौक है पाकिस्तान चौक के साथ, ये बेसिकली गांधी चौक हुआ करता था. यहाँ महात्मा गांधी का मुजस्मा होता था. बहुत सारे स्टैचूज और वो थे उनको तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया गया. वेलफेयर की या रिलीजियस की या एजुकेशनल या ऐसी सराएं
होती थीं उनको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि उन पर किसी हिंदू सेठ का नाम लिखा हुआ होता था। रास्ते भी पारसी के नाम पे थे, क्रिश्चियन के नाम पे थे, हिंदू नाम पे, अभी भी थोड़े बहुत है, लेकिन एवरीथिंग इज बीन चेंज। जो KMC थी उन्होंने वो सारे रातों रात मुजस्मे और वो उतरवा के KMC वर्कशॉप निश्चर रोड पे जो है उसके पीछे खंदक खोद के उनको दफन कर दिया। देखे ना, ख़त्म करने का मकसद ही यही है कि आइडेंटिटी को ख़त्म करना। अगर हम ये कहें कि भाई आत्माराम प्रीतम दास स्ट्रीट से नाम बदल कर उसको मदनी चौक बना दिया गया है, तो बज़ाहिर तो पता चलता है कि अब ये जगह जो है इसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है। मिसाल के तौर पर अगर आप सोल जमीदार की तरफ जाएं, वो जगह जो है सिंसिनेटिस टाउन कहा जाता है। सिंसिनेटिस वो एक आदमी था जो जिसने वो जगह को बनाया, जिसने लोगों को वहाँ जगह दी, रहाइश दी, उनके घर बनाए, ये वो। और वो अभी वो जगह को सारा नाम ही चेंज किया उसको, और सोलजोदा के नाम पे दिया गया, बस ख़त्म। इसी तरह से जमशेद नसरवांजी की जो ऑफिशियल रेजिडेंस थे उनको रेंजर्स ने टेक ओवर करके रेंजर्स को ऑफिसर्स मैस बना दिया। जिना कोर्ट्स में उन्होंने रेंजर्स ने अपने दफातर बना लिए। बैरी आइकॉन टार जो है वो रामकृष्णा मिशन ट्रस्ट 4,050 गज ज़मीन जो है उसको हुसैन डी सिल्वा पार्क में जम कर दिया, और वहाँ पे तो वो स्कूल था कोलियों के लिए। 1943-44 में KMC ने उस स्कूल के लिए ज़मीन दी थी। हम स्कूल खा गए, हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी, ठीक है। हमने मंदिर खा गए, हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी। हम सिनेगॉग खा गए, चर्च खा गए, हम उनके ऊपर बिल्डिंगें खड़ी कर दी। अच्छा, उन बिल्डिंगों को किस लिए खड़ा किया? इसलिए नहीं कि लोगों को जग रिहाइश की ज़रूरत थी, उनको इसलिए खड़ा किया गया कि किसी ताकतवर शख्स को पैसा चाहिए। तो हम समझ सकते हैं कि ये ऐसा ही है कि जैसे हम अपने घर में बैठे हुए हैं और हमें कोई आकर अपने घर से निकाल दे। क्योंकि मेरे साथ जाती तौर पर ऐसा हो चुका है। 13 साल पहले अपने फ्लैट में बैठा हुआ था, मेरी वाइफ थी, मेरी एक छोटी बेटी थी 2.5 साल की। पुलिस फोर्स के जरिए मुझे अपने फ्लैट से जो मैंने खरीदा था मुझे वहां से बेदखल किया, जिसके हम मालिक नहीं हैं और हम नहीं बन सकते मालिक, क्योंकि अब आइडेंटिटी चेंज हो गई है। व्हेन यू चेंज द हिस्ट्री नो वन रिमेंबर्स क्या है। आप हिस्ट्री को ही चेंज कर रहे हैं, आप हिस्ट्री को सॉरी टू से दबा रहे हैं। और मैं कुछ बोल नहीं सकता, ये हम लोग का अनफॉर्चुनेटली ये हम लोग का कंट्री का कल्चर बन गया है। पहले कभी नहीं था, कभी भी नहीं था, बट बिकॉज ऑफ दैट पारसीज हैव माइग्रेटेड। वो लिखे पड़े हैं, उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिला, ऑस्ट्रेलिया गया, लंदन गए, वो ह्यूस्टन गए और कैनेडा गए, बिकॉज दे गॉट द अपॉर्चुनिटी। मैं नहीं चाहता हूँ कि तबाह हो या हमारा तारीख जो है मिट जाए। हाँ, अगर हम वही बात है, अगर हम खामोश रहेंगे नहीं तो ये सब तबाह हो जाएगा। हम ये वर्ड बहुत आसानी से लूजली यूज करते हैं कि कराची इज अ वेरी डाइवर्स सिटी। इट्स नो मोर, इट्स नॉट। हेरिटेज इज गोइंग टू फास्ट, इज गोइंग ऑन डेली बेसिस। ओल्ड टाउन इज इन शैम्बल्स एंड इट इज नॉट दैट द बिल्डिंग्स विल रिमेन फॉर नेक्स्ट 50 or 40 years। इट्स हार्डली 5 years। The city is depleting on daily basis. It's decaying. And it's decaying because the government is not interested to safeguard history. It is a war versus real estate versus safeguarding culture. जब तक आप कराची शहर को एक शहर के तौर पे empower नहीं कर रहे, जब तक ये इसके जो आपने हिस्से बकरे किए हुए, 6 cantonment boards, ये रेलवे है, ये एक सिविल एविएशन है, ये पार्क पीडब्ल्यू डी है, ये PCHS है, जब तक उसको KPT इसको आप ख़त्म करके कराची के को आपका एक सिटी काउंसिल, एक लॉर्ड मेयर, कराची का वाटर एंड बोर्ड का सिस्टम, कराची का बिल्डिंग कंट्रोल का सिस्टम, कराची के फाइनेंसेस, ये आप जब तक एक अम्ब्रेला के अंदर नीचे नहीं लेकर आएंगे, उस वक्त तक कराची का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कराची में सिर्फ एक जंगल की आग है जो भड़कती रहेगी।